वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे लाल बटन है। और हम अच्छे अच्छे वीडियोस अपने दोस्तों के लिए बनाते रहते हैं कि आप अच्छे और बुरे दोनों, बुरे स्टॉक्स को आप कभी मत चूज़ करिए। देखिए, चार चीज़ें, लेकिन मैं तीन चीज़ें मोटा मोटी बता दूँ आपको कि एक होता है इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, पुट एंड कॉल एंड बैड स्टॉक। जो बड़े बड़े मार्केट के खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी कहना है कि भाई इंट्राडे में मत आप ट्रेडिंग करिए, आप ट्रेडिंग मत करिए, आप इन्वेस्टर बनिए और बैड स्टॉक्स को भी मत चूज़ करिए। तो कुछ हम स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई ये स्टॉक ले लो कैसा रहेगा। जैसे कि अभी कुछ एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि भाई डिश टीवी, मुझे वीडियो बनाई है, थोड़ा समय लगा लेकिन मैं डिश टीवी पे रिसर्च करके बनाया। तो इस तरीके से कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं मैं बनाता रहता हूँ। और मोस्टली मैं अच्छे स्टॉक्स के बारे में ही पहले बताता हूँ। कुछ लोगों को छोटा स्टॉक बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बड़ा स्टॉक भी पसंद। तो हर प्रकार के, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जिस स्टॉक का उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे व्हाइट ऑर्गेनिक है, इसका 24 जिस दिन बनाया था उस दिन ये भाव चल रहा था। अब ये देखिए मिल गया पेनी स्टॉक, CMP 8.90 रुपये का था जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया 5 दिन पहले, तो उसका ये प्रीमियम था। तो ऐसे ऐसे हर रेट के स्टॉक्स हैं, हर लोगों के स्टॉक्स हैं, जिसकी उम्र कम है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, हर अलग अलग तरीके के, बड़ी बड़ी कंपनी लेके छोटी कंपनी, माइक्रो कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हर तरीके की वीडियो हम बनाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें बेहतरीन वीडियोस के लिए। और ज़रूर कोशिश ये रहा करें कि आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश, कुछ लोग होते हैं 1-2 मिनट देखते हैं और निकल जाते हैं, असली चीज़ तो वो सुन ही नहीं पाते है ना, रिकमेंडेशंस या फिर कितना बुलिश है या फिर एक्सपर्ट क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट तो आपके भी, आप भी ऑलरेडी मार्केट में, आप भी इतनी रिसर्च करते होंगे, लेकिन फिर भी जो एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम बारीकी से कुछ चीज़ें देखते हैं वो बताते हैं, तो उसको पूरा वीडियो देखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज हम बढ़ते हैं। आज हम एक बड़ा बेहतरीन स्टॉक्स खोज के लाए हैं, और कभी कभी लेट वीडियो बन जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहें, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन भी हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा है। दोस्तों, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अदरक अदरक वाली बढ़िया चाय वाय पीते रहिए, है ना। देखिए, आज की जो कंपनी है उसका नाम है, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे, GALLANT गैलेंट मेटल लिमिटेड। और आज है 15 मार्च, 2:36 BSE पे, और 48.45 रुपये इसका भाव चल रहा है करंट। 52-week लो बनाया था इसने 38 रुपये का, और हाई बनाया था 66 रुपये का। और देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में कह रहे हैं लोग कि भैया 100% बाय करो, बाय, भर लो, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है, अट्रैक्टिव। और 402 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी, ऑब्वियसली बुक वैल्यू इसका 65 का, बुक वैल्यू से नीचे वो ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम जो है प्राइस टू बुक है 0.75 की, और फेस वैल्यू है 10 की, अभी ये स्प्लिट नहीं हुआ है। डिलीवरेबल है 79.38% की, और इंडस्ट्री पी है 6.84 की। EPS नहीं दिखाया है, हम आगे देख लेंगे दूसरे साइड पर, और पी भी देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, गैलेंट मेटल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पॉन्ज आयरन MS बिलेट्स प्री रोल्ड प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील की कंपनी है और 2005 से काम कर रही है, और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। 30 पैसे पर शेयर का इसने 18 सितंबर में पे किया था पिछले साल, और इस साल भी पे करेगी ऑब्वियसली। और अपनी इंडस्ट्री में ये 35th नंबर पर है, इसको 35वें नंबर पर है। स्टील से इसको 85% करीब आया है, और पावर से 15% के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, दोनों सेक्टर में है, पावर में भी है। चलते हैं, हम आपको इसके रिटर्न बताते हैं, रिटर्न कैसे हैं इसके अभी तक के। देखिए, 10 सालों में 390% का रिटर्न है, और सेंसेक्स ने दिया है 336% के। तो सेंसेक्स से थोड़ा ज़्यादा मिला है, फिर भी 10 साल में बहुत बुरा नहीं है इसको। आप कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि जो 10 साल में आपका रुपया तो और आधा ही कर जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये आपको 390 मतलब करीब 400% के आसपास दिया है, जो कि बेहतरीन है। और 5 सालों में 184% करीब 200% के, जो कि बहुत बेहतरीन है। सेंसेक्स ने 75% दिया है, 3 सालों में 78% है, जो कि ठीक नहीं है, और 1 साल में 16% का FD का डबल दिया, दैट्स वेरी गुड थिंग। इतना म्यूचुअल फंड्स पे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छी माना जाता है। ईयर टिल डेट में से अभी नेगेटिव में है 12% के, और 1 मंथ में फिर से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, 11.5% करीब दिया, और 1 वीक में फ्लैट। अब देखिए, आयरन स्टील मार्केट कैप देख ही चुके हैं, पी है इसका 4.64 की, पी बहुत ही ज़बरदस्त है। डिविडेंड यील्ड है 0.40 की, डेट इक्विटी है 0.10 की, बहुत ही कम है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न
इक्विटी ज़बरदस्त 18.83% की और प्राइस टू बुक है 0.87 की। नेट सेल्स देखिए 263 करोड़ की अपसाइड है और डाउन साइड दिखा रहा 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट में। तो क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2018 में इसका जो है नेट प्रॉफिट डाउन साइड आया। गुड क्वालिटी कंपनी है एज पर मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर और सेल्स ग्रोथ 10.19% की। EBIT ग्रोथ है 32.72% की और नेट डेट इक्विटी देख ही चुके हैं 0.24 की। डिविडेंड पे आउट रेशियो इसका 4.12% है, ज़बरदस्त। प्ले शेयर्स देखिए 0.95% की बहुत कम है, प्ले शेयर्स बहुत ही ना के बराबर है और वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखिए अभी हमारा भाव चल रहा है 49 करंट जो रेट चल रहा है 49.50 रुपये और यहाँ पे वेरी अट्रैक्टिव 62 तक रहेगा, उसके बाद 62 टू 207 तक अट्रैक्टिव पे रहेगा। तो अभी ये बहुत ही अच्छा ख़रीदने लायक जिस प्रीमियम पे खड़ा है लेना चाहिए। ROE है देखिए 18.83% का, ROCE है 25.02% की और फाइनेंशियल ट्रेड इज़ पॉजिटिव, स्कोर इज़ 11। अब कर्ज़ा देख लेते हैं इस पर कितना है। देखिए मार्च 17 में 74 करोड़ था और मार्च 18 में 55 करोड़ के आसपास है, जो कि कम किया है इन्होंने कर्ज़ा, दैट्स वेरी नाइस थिंग। और देखिए नेट सेल्स में यहाँ पे 3.24% की जो है पढ़ा था, लेकिन नेट प्रॉफिट में इसको जो 56% की नेगेटिव में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जो है 7.5% नेगेटिव है, दैट्स वेरी बैड थिंग। बट कोई बात नहीं, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट अगर हमारे कुछ गड़बड़ आते हैं तो हम कंपनी से क्या भाग जाएंगे? अगर यही तो मौका होता है कि हमें डाउन साइड पर कंपनी मिल रही है ख़रीदने का, तो हमें भरने के चांसेस होते हैं। ऐसे स्टॉक जिनकी जिनका जो गुड क्वालिटी कंपनी है, जिनका फंडामेंटल अच्छा, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, भाई मैनेजमेंट अच्छा है एज़ पर मैनेजमेंट तभी तो गुड क्वालिटी कंपनी है। तो इन कंपनियों से दूर नहीं भागना चाहिए, इनको लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए अगर इस सेक्टर में आपको पसंद है स्टील के। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए एज इट इज़ जो सितंबर 18 में थी और सेम इन्होंने दिसंबर 18 में क्वार्टर में भी मेंटेन किया हुआ है। प्लेस हम दिखा ही चुके हैं कि गिरी हुई शेयर इनके थोड़े से हैं ना के बराबर 0.95%। और म्यूचुअल फंड्स की जीरो लोगों ने पैसे लगा रखे, इंश्योरेंस कंपनी भी जीरो हैं और FIIs भी जीरो हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, खुदरा जो हम लोग हैं 10% करीब, 9.5% करीब। और यहाँ पे हम देख ही चुके हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कि आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसका EPS कितना। EPS देखिए 7.72 रुपये का, जो कि इतने छोटे स्टॉक्स का ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और मुझे लगता है कि इसमें मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर हम देखें तो। ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है स्टील सेक्टर में। अभी जो आने वाले समय है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारे देश का होने वाला है, अभी तो ग्रोथ हुई नहीं, GDP हमारी अभी बढ़ी रही धीरे धीरे। जिस दिन GDP 8.9 के मेंटेन कर लेगी उस दिन तो बहुत ही हमारे, मुझे लगता है कि कैश फ्लो सबके पास अच्छा खासा रहेगा, ग्रोथ हो जाएगी काफ़ी देश के लोगों की, सबकी इनकम बढ़ेगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से स्टील हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसे ऑटो सेक्टर्स में और गैस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। तो मैं इस पर बुलिश हूँ दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और देखिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप कोई भी स्टॉक हमारा चुनने से पहले जितने भी हमारे वीडियोज़ बनाए हैं तो अपने एक्सपर्ट से, अपने जो आदर्श हों, आपके जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हों, उनसे ज़रूर आप संपर्क करें, उनसे मशवरा करें। थैंक यू वेरी मच।